सोने लगना तार की। बाबू जी बैठ जाइए। भैया पानी बॉटल भैया। हेलो देखिए, मैं हाथ जोड़कर निवेदन करता हूँ, अगर कीर्तन को सुचारू रूप से चालू रखना है, अगर आप लोग चाहते हो कि आप आज बाबा आपके यहाँ पर आए हैं, ए भाई साहब, ओ भाई साहब, कीर्तन करें कि आप बात करेंगे। क्योंकि एक इंच की भी जगह नहीं है, इसलिए हाथ जोड़कर निवेदन है जो जहां पर है वही रहे। आप किसी के कितने भी परिचित हो लेकिन जगह होने से ही आप बैठ सकते हो, किसी का उठाकर तो आपको नहीं बैठाया जा सकता, इसलिए हाथ जोड़कर निवेदन। देखो ये कीर्तन नहीं है, ये आज बाबा के स्वागत में आप लोग आए हो। रोज आप लोग कीर्तनों में जाते हो, वो माहौल कि मैं बात भी कर लेते हो या सब कुछ, मैं हाथ जोड़कर निवेदन करता हूँ कोई सम्मान और कोई कुछ मत करो, सिर्फ और सिर्फ बाबा के भजन गालो, बाबा को लगेगा मेरे ऊपर सब कुछ लुटा दिया। बठिंडा मैं कहता हूं पंजाब का एक ऐसा स्तंभ है, मैं जानता हूं बठिंडा को क्योंकि बाबा की कृपा से बहुत बार बठिंडा में कीर्तन करने का मौका मिला है, और पंजाब के बठिंडा में श्याम प्रेमियों का एक, मैं समझता हूं कि श्याम प्रेमियों का जमवाड़ा है। कीर्तन ऐसा करो कि आगे वाले आने वाले जो 20 दिन में वो लोग आपको देखकर कीर्तन करने लगे। मैं दिल से बोलता हूं, जिस दिन जम्मू टच किया था उस दिन के बाद से अभी तक कीर्तन के अंदर में दिल से लोगों ने कीर्तन किया। हाथ जोड़कर निवेदन, ये कीर्तन किसी और के लिए नहीं, अपने लिए कीजिए, अपने परिवार के लिए कीजिए। ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, जो आया है ना बाहर, जो रथ में विराजमान है, उस रथ को सिर्फ नमन करने से, क्योंकि बाबा ने खुद निर्णय लिया, ये संजय मित्तल की औकात नहीं है। और यहां पर भी किसी ने अनाउंसमेंट किया संजय मित्तल की यात्रा, अरे मेरी यात्रा तो चार कंधों पर जाएगी भाई, अभी जीने को। ये बाबा की यात्रा है, बाबा के भक्तों के लिए यात्रा है। आपको पता था क्या कि एक महीना पहले, आपको पता था कि एक महीना पहले नहीं ना? आप लोग खाटू जाते हो, वहां से मांगने के लिए जाकर मांगते हो, बाबा ये दे दे, बाबा ये दे दे। आज खाटू वाला बोला कि तुझे मांगना नहीं आता, तू मेरे पास आता है, तुझे मांगना नहीं आता, इसलिए आज तुझे देने के लिए मैं खुद चल कर आया। हाथ जोड़कर निवेदन। देखिए बहुत सपोर्ट ऐसा है, सारी एसी फेल है, इतनी एसी लगे हुई इस हॉल में, मैं वही देख रहा था, इतनी भीड़ के कारण सारी एसी फेल है। हाथ जोड़कर निवेदन, जो दो तीन चार भजन जो भी हो, मुझे नहीं मालूम कितने भजन होंगे, इतनी जरूर गारंटी देता हूं आप यहाँ पर कीर्तन करोगे, रथ में बाबा बैठे हैं उनको सुनाई पड़ेगा, और आपके कीर्तन करने से आपकी आवाज सुनाई पड़ेगी, तो आपको कुछ ना कुछ देकर जाएगा, यह गारंटी के साथ है। अब आपके ऊपर में है कि आप इस कीर्तन को कितनी देर तक चालू रखना चाहते हो।
मुझे लगेगा कि नहीं कीर्तन के अंदर में कोई वैसा आप लोगों में भाव नजर नहीं आते कि भाई बाबा आया बाबा का स्वागत करना, तो उसी समय बंद कर देंगे क्योंकि खड़े होने की भी हिम्मत नहीं हो रही है। एक तो चलकर आए हैं, दूसरी इतनी भैया कितना टाइम लगेगा, पानी चाहिए होगा, कहीं जगह नहीं है, आप जरूर करने देना, आइए पानी की बॉटल। अरे आधे घंटे से आ रही है, बठिंडा में कितने लोग रहते हैं श्याम प्रेमी? अरे आप तो यहाँ हो, बठिंडा की आबादी कितनी है, कितनी पॉपुलेशन है बठिंडा की? 5 लाख, 5 लाख आबादी है बठिंडा में। यहाँ पर इस हॉल में कितने होंगे, 2-4-5 हजार होंगे मैक्सिमम, मुझे नहीं मालूम, लेकिन आप लोग क्यों आए और बाकी क्यों नहीं आए पाए, ये प्रश्न है। सिर्फ इतने ही बठिंडा में श्याम प्रेमी थोड़ी है, श्याम प्रेमी तो बहुत है, क्यों नहीं आ पाए मैं बताऊं? अगर आपको लगे कि आपकी तकदीर खुल गई कि बाबा ने आपको चूज किया बुलाने के लिए, तो गाइएगा। दरबार मेरे श्याम का सबको बुला रहा, जब बाबा की यात्रा आएगी, जब ये अनाउंसमेंट हुआ बठिंडा का नाम निकला कि बठिंडा शहर से होकर जाएगी, तो इस यात्रा के लिए किसी पर्सनल इंसान को या पर्सनल मंडल को इन्विटेशन नहीं था, पूरे बठिंडा को इन्विटेशन था बाबा की तरफ से कि मैं आ रहा हूं, जिसको मुझसे प्यार हो मुझसे मिलने आना हो आ जाना है ना। लेकिन कितने आए, दरबार मेरे श्याम का सबको बुला रहा, दरबार मेरे श्याम का सबको बुला रहा। किस्मत में जिनके श्याम है, बस वो ही आ रहा, किस्मत में जिनके श्याम है, बस वो ही आ रहा। कौन कौन किस्मत वाला है, उठाओ हाथ लगो, ये तालियां बजाकर के Thank you.
भवरा फूल की तरफ मंडराता है,
और धूल में कैद हो जाता है, परवाना समा में जल जाता है, लेकिन श्याम का प्रेमी जो श्याम के नजदीक आता है वो जलता नहीं, वो चमक जाता है, वो जलता है। आइए प्रेमियों, जयकारा लगाना कोई गलत बात नहीं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन दो में से एक ही काम बोले ना, जयकारा होगा या कीर्तन होगा, भजन खत्म हो तो एक जयकारा मिलकर बोलेंगे, है ना। और जब रथ के पास में खड़े होना या सुबह जब आपको लगे कि बाबा के साथ थोड़ी दूर चलना है, 100 मीटर, 50 मीटर, 1 किलोमीटर, आप आ जाना और रथ के पीछे पीछे बाबा को देखते हुए जयकार लगाना, ऐसी जयकार लगाना कि वो संगत तक जयकार पहुंच जाए। कल का पड़ाव पंजाब में आखिरी पड़ाव है, कल संगत, कल परसों सुबह बाबा पंजाब को अलविदा कहेंगे और हरियाणा में घुसेंगे। ऐसी जयकार लगाना, जो अभी लगा रहे हैं ना जयकार, इसका इसका अप्रोप्रिएट समय वो है, जैसे अभी आते समय आपने स्वागत किया मार बाजी गाजी के साथ और ये आतिशबाजी और जयकारों के साथ में, ऐसा लग गया, ऐसा लगा कि हम खाटों में जो फागुन की ग्यारस होती है लाइन में लगे हैं और जो उस समय हुजूम होता है वैसा लग रहा था। अभी कीर्तन कीर्तन के बीच में जयकार बोलोगे तो सेटिंग नहीं होगी। कीर्तन करोगे, बोलो ना, करोगे। आइए, ये भजन गाइए मेरे साथ। ये भजन एक पक्का श्याम प्रेमी कह रहा है, जिनका जीवन श्याम के बिना अधूरा है, वो क्या कहता है। मेरे दिल में बसा सांवरे तेरा नाम, लेकिन इस लाइन को बोलने के लिए मैं जबरदस्ती नहीं करूंगा, आपके दिल में हो तो बोलना, नहीं है तो मत बोलना। मेरे दिल में बसा सांवरे तेरा नाम, मेरे दिल में बसा सांवरे तेरा नाम, मेरी पहचान है मेरा खात पहचान, मेरे दिल में बसा। किसकी किसकी पहचान खाटू वाला है, आप सुनो, हाथ नीचे कर लो, आपको चमत्कार देखना है। जब ये लाइन आती है ना भजन की, मेरा आपकी कृपा से हर काम हो रहा है और करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम, तब अपने घर के बाहर की नेम प्लेट को देखिए ना, आपने किसका नाम लगा लगा, लगा रखा है, झूठ बोलते हो आप खुद का ना, मकान आपका है, रजिस्ट्री में नाम आपका होगा, रजिस्ट्री में नाम आपका होगा, लेकिन कोई ये गारंटी के साथ कह दे कि मेरे जाने के बाद भी जब मेरी फोटो दीवार पर टंग जाएगी, माला चढ़ जाएगी, उसके बाद भी वो नाम पलटेगा नहीं, तब तो अपना नाम बोलना है। फोटो लगने से पहले नाम चेंज हो जाएगा भाई साहब। अगर बाबा का चमत्कार देखना है, बड़ी बात बोल रहा हूं, करेगा कोई नहीं, लेकिन अगर सैकड़ों में कोई एक भी कर लिया, हजारों में कोई एक भी कर लिया तो रिजल्ट मिलेगा। अगर अपने हर सुख दुख का साथी इसको बनाना है तो बाहर जो अपनी नेम प्लेट है उसको तोड़ दो और वहां पर लिखवा दो, मेरी पहचान मेरा खाटू वाला, हाँ ठिकाना, मकान का एड्रेस लिखा देना नीचे, क्योंकि कोरियर वाला आएगा, लेकिन वहां पर अपना नाम नहीं लिखाना। कई लोग क्या किया, नीचे लिखा दे मेरी पहचान मेरा खाटू वाला श्याम, लेकिन ऊपर लिखा दे गुप्ता
बंसल कंसल मित्तल शर्मा वर्मा, ये सब कुछ इनसे है। भरोसा करके तो देखो, जिम्मेवारी इसकी बढ़ जाएगी कि इसके मकान के बाहर मेरा नाम लगा है, अगर इसका कुछ नुकसान हो गया तो ये तो सह जाएगा, दुनिया वाले हंसी उड़ाएंगे। क्या हुआ तेरा पहचान, क्या हुआ तेरी पहचान, उठाओ हाथ कर दो, उठाओ और मिलकर जो कारोबार में बोलना, मेरे दिल में बसा मेरे पहचान है मेरा खाट का शाम मेरे
दिया मेरे पास है, तू संभाले तो दिल क्या फिकर, इस दुखियों पे थोड़ी शिकर, श्याम सुंदर महल की नजर, इस दुखियों पे थोड़ी शिकर। भाई साहब हेलो, ओ भाई साहब, आपको पता है कभी भी सत्संग में भजन में जब सत्संग चल रहा हो ना भजन चल रहा हो तो बीच में नहीं रुकना चाहिए। जिनको जाने की हड़बड़ी रहती है ना उनको दूर किनारे पर खड़े रहना चाहिए कि जब मन नहीं लगा उससे मैं उठकर चलेगा। आपको पता आपके पीछे वाला बाबा के ध्यान में मगन था, आप खड़े हुए उसका ध्यान टूट गया, आप जाओगे बाबा को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन बाबा का कोई प्रेमी उसको ध्यान रहा हो और उसको डिस्टर्बेंस हो जाएगा तो बाबा को प्रॉब्लम होगी और बाबा को प्रॉब्लम होगी तो आपको प्रॉब्लम। अभी वो पांच लड़के वहां पर खड़े हो गए और खड़े होकर वीडियो बना रहे हैं, उनको ये नहीं मालूम कि उनके पीछे के लोग प्रेमी बैठे हुए हैं, वो बेकार थोड़ी है, क्या कर रहे हो आप? अभी भी नहीं समझ रहे हो वो नौबत ही क्यों आने दोगे, रात को 3 बजे इनको आवाज लगानी पड़े, रात को 2 बजे 3 बजे जब कोई तकलीफ होती है तब तो बड़े अधिकार से हम बाबा को आवाज लगा देते कि बाबा आ जाओ बाबा आ जाओ बाबा आ जाओ, और बाबा चलकर तुम्हारे घर में आए हैं, चलकर तुम्हारे पास में आए हैं, आप लोगों को पास में सब चीज के लिए फुर्सत है लेकिन बाबा के लिए फुर्सत नहीं है। ऐसा नहीं करो, कुछ लोग के कारण सारे कीर्तन को खराब नहीं करो, बोले साचे दरबार की हारे के सहारे की, मेरे सिर पे सदा, मेरे सिर पे सदा श्याम का हाथ है, सर दर्द होता है खाली सर दर्द के ऊपर भैया हेलो मटेंशन करो थोड़ी देर तू भी आनंद ले ले यार। देखो मैं समझ रहा हूं कि ये जो ये लोग अच्छे लोग हैं ना ये मेहनत कर रहे हैं, देखो आपको बताऊं आप लोगों की मेहनत सफल हो गई, सफल इसलिए मैं बता रहा हूं कि आपने अपना काम कर दिया, बाबा के लिए आपने अपना कारोबार 10 दिन के लिए छोड़ा होगा 20 दिन के लिए छोड़ा होगा और घर नहीं गए होंगे 2-4-5 दिन से, है ना, आपका काम हो गया। लेकिन आपको बता दूं भले ही 1,000 लोग 5,000 लोग अगर दरबार में बैठे हैं, भले ही 4,990 लोग ऐसे होंगे जो पूरी तरह नहीं जुड़े होंगे, लेकिन मैं गारंटी के साथ कहता हूं 10 लोग तो ऐसे होंगे इस दरबार में जो बिल्कुल बाबा से जुड़े हुए हैं, और उनका जो उसका कमीशन आपको जरूर मिलेगा। और मेरा श्याम बाबा जब कमीशन देता है ना तो मेरा श्याम बाबा जब कमीशन देता है ना तो बैंक फेल हो जाता है। मैं एक बात बोल रहा था कि आपको अगर सिर में दर्द हुआ डॉक्टर के पास थोड़ी जाते हो, तुरंत क्या करते हो सेरेडॉन ले लेते हो कॉम्बी फ्लेम ले लेते हो या कोई भी,
सरदर ठीक हो जाता है। अब कोई सिर के ऊपर में तूफान खड़ा है उसके लिए इंस्टेंट दवाई बता दो। सिर पर तूफान खड़ा है और हाय तोबा मचाने लगे, अब मेरा क्या होगा, मेरा क्या होगा। ये हाय तोबा मचाने से तूफान थोड़ी ना चल जाएगा, वो तो खड़ा है तो खड़ा रहेगा। लेकिन एक दवाई बता रहा हूं मैं, अगर सिर पर तूफान खड़ा है और तूफान के सामने सीना तान कर खड़े हो और उस तूफान को बोलते हैं मेरे सिरे पे सदा श्याम का लेंगे। जो भभकी देने वाले हो जाएंगे ना वो पलट जाएगा, भाई पलट जा पलट जा, इसके सिर पर श्याम का हाथ है और परमानेंट हाथ है, यहाँ दाल नहीं गलेगी। 90% तो काम आपका वही बन जाएगा प्रेम। अरे पॉजिटिव होकर देखो, ये कर कर देखो, इस दरबार में आए हो तो इस दरबार से विश्वास लेकर जाओ, जिस भाव मिले उस भाव लेकर जाओ, जिस भाव मिले उस भाव विश्वास लेकर जाया करो प्रेमियों। जिसकी तिजोरी में जितना ज्यादा विश्वास होगा खाटू वाला उसके उतना नजदीक होगा। कटिया होने से खाटू वाला नजदीक होगा गारंटी नहीं है, लेकिन विश्वास तिजोरी में होगा तो ये गारंटी है कि खाटू वाला वहां पर जरूर होगा। बोले पुष्प और किशन शाम ही मेरी शाम, बोले पुष्प और किशन शाम है मेरी शाम, मेरी पहचान है मेरा खाटू का श्याम। अब बताओ दिल से बताना, झूठ नहीं बोलना, कौन कौन अपने नाम की प्लेट तोड़ेगा और कौन कौन ये हाथ नीचे कर लिए, नहीं लगे तो लगा ले बेटा। अगर खाली श्याम नाम की लगी है तो बेटा पार है। कौन कौन किसने किसने अपने घर के बाहर नेम प्लेट लगा रखी है उसको तोड़ देना, हाथ उठाकर देखो 10% हाथ उठे, 50% बोला नहीं हमें नाम की दरकार है, कोई बात नहीं आप अपना नाम करो, जिसको बाबा का नाम करना है वो उठा लेना हाथों को और मिलकर जोर से आवाज में बोलना मेरे दिल में फंसा। दो भजन और बाबा के गाऊंगा और उसके बाद में आगे की जो भी व्यवस्था होगी आगे की आरती यहाँ पर होगी। तो लेकिन ए भाई साहब हेलो, ए रोड देते श्याम बाबा को एहसान होगा, ए भाई हेलो इतना काम काजी हो गए, सारा काम खुद करे होगा। दो भजन में जितना समय लगता है उतना और झेल लो मुझे, आपको पता है आपको मालूम नहीं है कहाँ कहाँ से लोग आए हुए हैं, कहाँ कहाँ से लोग आए हैं, बठिंडा नौखा राजस्थान से, नौखा राजस्थान से कल रात को बैठकर आज सुबह पहुंचे 24 लोग आए। किस्मत वाले अपने आप को समझना कि आपके शहर चुना, आपका शहर चुना बाबा के प्रेमी, बाबा आता है तो भी कृपा होती है और बाबा का प्रेमी अगर आपके घर में आता है ना तो भी समझ लो कृपा होती है। वो कहते हैं ना लड्डू फूटता है तो भौरा तो मिलता है, तो ये श्याम प्रेमी अगर आपके यहाँ पर आए हैं ना इनकी किस्मत में जो आएगा कुछ ना कुछ उनसे वो झड़के यहाँ पर आपको कुछ ना कुछ देकर ही जाएगा।
बोले हारे के सहारे की। तू क्यों घबरा जोर से बोलो ना। जब मालिक है सिर पे क्यों जी पजलाता है। सुनो हमारे रिकॉर्ड में लिखा हुआ था कि कल संगत जाना है और संगत 21 किलोमीटर है, लेकिन अभी हमारे पुनीत भैया ने आकर बोला कि 26 किलोमीटर है, ये गाड़ी से जाकर माफ कराए। एक बार तो फ्यूज उड़ गया था कि 5 किलोमीटर बढ़ गया, लेकिन फिर अचानक ये भजन याद आ गया। तू क्यों घबराता है तेरा नाम से खेचकर यही ले जाएगा, है ना खेचकर। तो कल ऑफिस की चिंता क्यों कर रहे हो, कल दुकान की चिंता क्यों कर रहे हो, है ना। उठाओ हाथों को, उठाओ उठाओ और मिलकर जोरदार आवाज में बोलना। तू क्यों सही है।
I'm gonna make you mine.
से इसके चलते बोला मेरी चलती है I'm gonna make it.
मस्ती कहाँ मिलेगी, कैसे मस्ती कहाँ मिलेगी, नाम मस्ती आगे।
आगे भी आगे देखिए श्री बालाजी मित्र मंडल बठिंडा ने आज बाबा के स्वागत में जो पलक पावड़े बिछाए हम उसके बदले में आपको थैंक यू बोलकर आपके भावों को छोटा नहीं करेंगे। आपने जो किया है वो मेरे लिए उसको शब्दों में पिरोना बहुत मुश्किल है, लेकिन एक बात बोलूंगा, यात्रा में हम लोग चल रहे हैं इसका मतलब ये नहीं कि आप इस यात्रा के आनंद लो। आपने जो बाबा का स्वागत किया है आप भी इस यात्रा के एक अभिन्न अंग बन गए हो, और हम जाते जाते बस एक छोटी सी यादगार ताकि आपको हमेशा जीवन भर वो यादगार रहे कि आप भी इस कश्मीर से खाटू धाम की यात्रा का एक अभिन्न अंग हो थे हैं और हमेशा रहेंगे। इसलिए मैं निवेदन करता हूँ श्री बालाजी मित्रमंडल के सदस्यों को कि वो कृपया दरबार में आ जाए, और मैं हैप्पी भाई से निवेदन करूंगा कि वो पटका पहनाकर बालाजी मित्र बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।